अस्सलाम वालेकुम जी, आज मई 28 है, मौसम काफ़ी बेहतर है यहाँ पे और हमारे कुछ दोस्तों ने जो है आज क्रिस्सी लेक का प्रोग्राम बनाया था, तो आज हम लोग क्रिस्सी लेक आए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हम लोग, तो गाड़ी हम लोग ने वहाँ सामने पार्किंग पे लगा दी है। और उसके अलावा हमारे जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर, सारे यहाँ दरख के नीचे बैठे हैं। तो अब प्लान ये है कि यहाँ पे हम लोग पिकनिक करेंगे, दिन भर स्पेंड करेंगे और फिर उसके बाद शाम में जो है फिर घर चले जाएंगे। क्रिस्सी लेक बेसिकली हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स अराउंड 40 किलोमीटर। तो ये कि पहुँचने में आधा घंटा लगता है और ये कि मौसम भी काफ़ी बेहतर है, तो इस लिहाज से आउटिंग का इंजॉय करेंगे। तो आए चले देखते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो ये बच्चे जो है अबे क्या कर रहा है, सॉकर खेल रहे हैं और ये फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठे हैं। वो बंदा फ़ोन पे लगा हुआ है। तो उस साइड पे लेक है, उस साइड हम लोग इसलिए नहीं गए कि रश काफ़ी था वहाँ पर। यहाँ पे लोग जो हैं फिशिंग, बोटिंग और पिकनिक एक्टिविटी के लिए आते हैं। तो क्रिस्सी लेक में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए इससे पहले मैं कभी भी नहीं आया था। लेकिन ये कि अच्छी जगह है, मौसम वेरी गुड, हल्की हल्की हवा चल रही है, गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, धूप है लेकिन ये कि यार नईम भाई नहीं आया क्या? हाँ ये बताओ, नईम भाई नहीं है? हमारे एक दोस्त हैं नईम भाई, वो खाना लेकर आ रहे हैं लेकिन खाना अभी तक आया नहीं है, तो वो भी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये हमारे मारूफ भाई स्पोर्ट्समैन, अबे नहीं नहीं, हाँ जी, जिनका इंतज़ार था वो साहब आ गए। और क्योंकि सब परेशान बैठे थे समोसों के और खाने के इंतज़ार में, समोसे और खाने आ गए हैं। ये जी समोसे ये रहे और ये खाने आ रहे हैं। हमारी एक टीम जो थी उनके ज़िम्मे ये लगाया था कि ऑर्डर पे जो खाना हम लोग ने ऑर्डर किया हुआ था उसको वो फिर वहाँ से पिक करके लेकर आएंगे। तो वो लोग भी पहुँच गए हैं अब, ये कि वो सामने गाड़ी से सामान उतार रहे हैं और समोसे और खाने पीने की चीज़ें। तो लोगों के चेहरे में रौनक आ गई है, समोसे आ गए, ये देखें जी, अरे हाथों की बन रही है यार, ये देखें जी समोसे जो हैं पहुंच चुके हैं। और ये के बेहतरीन समोसे हैं जी। और लोगों ने ऐसा ऐसा समोसे लेने शुरू कर दिए हैं क्योंकि सबको भूख लग रही है। तो अब वो हमारे दोस्त जो हैं गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये पीछे है ना, वो रहा भाई, समोसे ले लो। ये लो, ये आप लोग खोलो, खोल दो, खोल दो, ये एक है ना, इसको पहले खत्म कर दो, फिर जो बच जाएगा पी लेंगे। ये मेरे एथलीट्स लगे हुए हैं, ये भी यार ये बिरयानी के लिए तो नहीं है रायता, ये बिरयानी के लिए है। ब्रिटानिया में उसने अंदर अंदर बहुत घुमाया मुझे, पतली पतली गलियां, लेकिन ये कि रास्ता बड़ा खूबसूरत, हां खूबसूरत रास्ता है, बड़ा खूबसूरत रास्ता है, डेली रोड का भी रास्ता बहुत खूबसूरत है मुझे ना। यहाँ पे जितने पिकनिक प्लेसेस होते हैं या कैंपिंग साइट होते हैं वहाँ पे सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और बेसिकली आप जब यहाँ पे आते हैं तो अपने कैंपिंग करने के बाद या अपनी पिकनिक, अपनी आउटिंग करने के बाद जो है वो सारा कचरा जो है वो समेट के जाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप गंद करके जाएं और फिर इनको साफ़ करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे होता ही है कि जितने भी कचरे होते हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पर ड्रम रखे होते हैं। देखें यहाँ पर ये ड्रम रखा है, तो आप पिकनिक कर लें, पिकनिक करने के बाद अपना सारा कचरा जो है वो एक थैली में डालकर या
इस ड्रम में ला के डाल दें तो ये के एरिया भी साफ़ रहता है, एनवायरनमेंट भी साफ़ रहता है, और जो दूसरे आने वाले आते हैं, दूसरे लोग जो पिकनिक के लिए आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और हमें ना सिर्फ यहाँ बल्कि अपने मुल्कों में भी ये करना चाहिए कि आप अगर किसी जगह पे जा रहे हैं पिकनिक के लिए तो वो पिकनिक स्पॉट या वो जो घूमने की जगह है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो पूरे जो लोग हैं वहाँ पे दूसरे लोग आ रहे होते हैं उनके लिए भी होता है। तो जिस तरह आप किसी गंदी जगह को या कचरे वाली जगह को पसंद नहीं करते, इसी तरह दूसरे लोग भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये एक मैसेज था, आई होप आप लोगों को इस बात को समझेंगे। Say something, man. What's up? What's up? Ozer. अबे बोल कुछ। कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त लेक की तरफ गए हैं वॉक के लिए, तो मैं नहीं गया। तो ये कि खाना खाने के बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि लेक मतलब यहाँ का पानी कैसा है। यहाँ पे लोग फिशिंग के लिए भी आते हैं, लेकिन फिशिंग सीज़न जो है वो यहाँ पे शुरू होता है जून के 4th सैटरडे के बाद। तो इस वक्त हम लोग मई के एंड में, इसलिए हम लोग फिशिंग का सामान नहीं लाए क्योंकि बाय लॉ इस वक्त आप फिशिंग यहाँ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो फिशिंग भी करेंगे और ये के और एक्टिविटी करेंगे। हाँ भाई, क्या हुआ घुटने को तुम्हारे? घुटने को कुछ नहीं हुआ। फिर एंकल को क्या हुआ तुम्हारे? उर्दू में क्या बोलते हैं एंकल को? टखना। टखना पे कुछ हुआ है। क्या हुआ है टखने पे? बहुत जोर से स्टेप कर रहा है और हाँ? कोई काला बड़ा आदमी मेरे बम पे। तुम कालों के साथ क्यों खेलते हो भाई? गोरों के साथ खेला क्यों? कालों के साथ खेलोगे तो यही होगा। कैसा आदमी है यार, मैं क्या करूँगा। तो पतले कालों के साथ खेला करो ना, चौड़े कालों के साथ क्यों खेलते हो तुम? काले कभी भी पतले नहीं होते। तो भाई आज आप लोगों को एक हकीकत का पता चला है। हमारे एयान मियां जो है उन्होंने ये बताया कि काले कभी पतले नहीं होते। सच है, काले कभी पतले नहीं होते। इस पर रिसर्च करना चाहिए। ओ भाई मेरी भी जगह रखना, पीछे बहुत अच्छा जगह। हाँ जी, हम लोग जब भी पिकनिक में या कैंपिंग पे आते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि नमाज़ ज़रूर पढ़ लें। तो इस वक्त हम लोग ने असर की नमाज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल में कर लेते हैं गरम। अरे नहीं चलेगी यार, हल्का सा करेंगे, हल्की आंच पे रखेंगे। तो ये कि नमाज़ हम लोग ने पढ़ ली है असर का। प्लान ये है कि मगरिब घर पर पढ़ना है। मगरिब प्लान ये है कि असर यहाँ पढ़ ली है, मगरिब जो है कि घर नहीं 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 ज़्यादा दूर नहीं है, तो मगरिब घर पे पढ़ेंगे। हाँ चावल कर लेते हैं, गरम गरम है, मतलब ठंडी तो नहीं मगर गरम भी नहीं है। तो ऐसा करो चूल्हे को ऑन करके रख देते हैं, किसी को चूल्हा करके रख दो ऑन करो, वो नीचे से गर्मी है नहीं, ऊपर नीचे चम्मच चाहिए मुझे। इसको फिर हवा के इस डायरेक्शन पे रखो, हवा इस तरह से चलती है। चाय भी बनता है, चाय भी बननी है भाई। हां हां हां, चूल्हा बनाने पे लाया पहले किसी कागज में लगाएं, चूल्हा जलेगा ताकि इसमें बिरयानी फिर गरम। मैं कह रहा हूं ना हाथ ना वो हो गई,
बिस्मिल्लाह। इसको दबा, इसको भी कर दो। हल्का करने के चक्कर में वो घुमा दिया था। ये मैंने हल्का करना चाहा ना उसको। कौन सी बिरयानी है? पता नहीं, अभी चेक नहीं किया। खोल ये चिकन की, ये लिखा हुआ तो है कुछ। आवाज आ रही है। अच्छा, एक चम्मच ले लें ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, नीचे से लग जाएगी। जल जाएगा ना। लग जाएगी वरना। चम्मच का शॉट लाइव है ना? जगह नहीं है। ये काम करें, इसकी साइडों पे ना दो चीजें रख दें, इससे थोड़ा ऊंची हो जाए। ये लो डायरेक्ट की बजाय। अभी थोड़ा सा गर्म होने दें, थोड़ा सा गर्म होने दें। क्या चीज रखनी है? मसला हो रहा है। ये मुझे ऐसी आपने समोसे नहीं खाए थे मारू भाई? ये चिकन है। काम करो ना यार। अच्छा, केन दो। पानी डालो जरा सा, इस पे पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा। ये पानी रखा है। वैसे थोड़ा तो गर्म ही होगा ना, एकदम तो ठंडा नहीं होगा। आप फिर शोरबा कर रहे हो? नहीं भाई, वो पानी हो मुफलिसी में आटा गीला पानी डाल के ताकि उसकी स्टीम से पॉट का तो नहीं है। चेक कर लेना सर, सब ये लंबे लंबे लेटे हैं। एक काम करो, इसके ढक्कन को रखो इसके ऊपर, फिर यार इसके नीचे ढक्कन रखो और उसके ऊपर फिर वापस ले आना मुझसे। नहीं तो वो लाए, थैलियां लाए, ले लाए। चलो हटाओ। जिप लॉक भी है, सब कुछ है। हाँ ये सही, थोड़ा डायरेक्ट हीट नहीं मिलेगी ना। डायरेक्ट हीट नहीं मिलेगी। नौशाद मुझे बताओ, प्लेटें क्या है ताकि वो एक जगह रख दे, लेते जाए ना। वहाँ पे मना रेड वाले जो है उसी ने भी सफन का साथ दिया। प्लेटें क्या है? तो चलो बंद कर यार। तारिक मियां खिदमत कर रहे हैं, उनकी नहीं बनाए क्या? नहीं भाई जी, ये तारिक मियां खिदमत कर रहे हैं, हम सब के लिए बिरयानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। क्या बात, हो गया गर्म? नहीं नहीं, गर्म करने के लिए तो उसको बंद कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसको हल्का करो प्रसाद। हल्का किया यार, बस अब हटा दे मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, इतनी देर में थोड़ी कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ क्या हल्का किया? मक्खी तो वही, तो वही तो जायका है सर। मारू भाई की बिरयानी क्यों भाई, मैं जिंदा हूँ भाई, मेरी बिरयानी बना दी। हाँ मैं लाया हूँ। बिरयानी का इंतजाम हो गया, वोट का भी इंतजाम कर लें। अरे हाँ, जो जो सबसे पहले तो तकरीर होगी। और हमारी बेगम का अपना पसंदीदा काम शुरू कर दिया है, सफाई। हाँ हाँ जल रहा है, मैंने हल्का किया उसमें, फिर बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए ना। पाकिस्तानियों की जो पिकनिक होती है सर, वो बगैर बिरयानी के नहीं होती। ये देखें जी, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे नून लीग का कोई सियासी इज्तिमा है या जलसा है। लेकिन बिरयानी के इंतखाबात तो हो रहे हैं ना, कमा तो अब आप जो बिरयानी खाएगा वो या तो कंजर्वेटिव को वोट देगा या लिबरल को देगा। हम तो लिबरल को देंगे भाई। जो लिबरल को देगा उसको चिकन बिरयानी मिलेगी, जो कंजर्वेटिव को देगा उसको बीफ बिरयानी। हमने बिरयानी का इंतखाब किया। तो ये जी बिरयानी जो है हम खा रहे हैं यहाँ पर, और ये के हम देसियों की पिकनिक जो है वो खाने पीने से शुरू होती है और खाने पीने में ख़त्म होती है। तो ये देखें रायता, ये रायता बहुत पतला है यार। देखो पतला है, करना है, मेहमान ज़्यादा हुए हैं। ये लगाना है, नहीं सही है। इसके ऊपर दो प्लेटों, नहीं 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 ये तो निकाल, इन दो प्लेटों के ऊपर रख। अबे अबे इसमें तो आग लगी हुई हुई, कोई जल गया ये? हाँ हाँ कोई मत, मारू भाई क्या कर रहे हो, इतना गर्म है। चिकन की बिरयानी भाई, जिनको चिकन की बिरयानी खानी है वो आ जाए। बच्चों
बिरयानी खा लो। हाँ जी, लेफ्ट ओवर खाना जो है अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फैमिलीज में, ताकि ये खाना जाया ना हो। ये बीफ बिरयानी है और ये चिकन बिरयानी है और ये थैलियाँ बन रही हैं सबके लिए। चाय का पानी रख दिया गया है, चाय बनेगी और चाय पियेंगे। चाय का पानी रख दिया गया है, खाना हम लोग ने खा लिया है और जो लेफ्ट ओवर है वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ज़ाया ना हो खाना। तो यहाँ वैसे चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है और चाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग चाय को। तो पता नहीं कितनी की पत्ती डाली है यार, मैंने उनसे पूछा कितने डाले हैं तो उन्होंने कहा 21। मैंने कहा 21 से क्या होगा, हेलो इतनी पत्ती नहीं, मैं 21 मैंने तो और डाले हैं भाई। पानी डाल दो थोड़ा सा और मेरे साथ, हां पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, बच्चे का तो लेना। ये रहा, ये रहा खुला हुआ है, खुला हुआ डालो, मैंने चम्मच धोया था यार। देखो स्ट्रांग होनी चाहिए, दूध भले ज्यादा डाल दो, बस बस सही हो जाएगा। क्या नहाएंगे आप? इतना पानी डाल के नहीं, नहाने का पानी चढ़ाना थोड़ी है भाई। जिसको शक्कर कम लगे ना वो शीरा डाल दे जरा, क्योंकि शक्कर में ज्यादा लाया वो कितनी चीनी चाहिए यार, आपको नहीं पता रक्षंदा भाभी कितना डालती हैं। कोई नहीं, एक चम्मच डालती हूं, बहन को बदनाम कर रहा हूं, खाना खाएगा। मैं आता हूं, कम कर दिया, शक्कर कम कर दिया है। हां याद है, एक को कितना करें तो फट लगाऊंगी। नहीं नहीं वो भी लेना भाई, बहन कम मैंने भी ऐसे ऊपर आती है गुलाब जामुन, देखो कैसे क्योंकि एक एक उठा लगाओ मैं तीन खा रही हूं। छोटे छोटे हैं, आप तीन खा सकती हैं। ये ना, ये खुले में, ये चलो खुले में, अब तो खा के बंदा। एक काम करो, ये चीनी और दूध दे दो, खुद ही डालो। सही है, शक्कर का है, अच्छा चीनी को है, अब खुला हुआ एक कार्नेशन, ठीक है मैं ये डाल के दे दो, कलर और करो। सही है, मेरे ख्याल में सही है, सही है, सही है। नहीं गर्म है, ठंडी तो नहीं है, जोश आ गया। हाँ जोश आ गया, जोश नहीं, जोश आने में चम्मच नहीं आ गया था, मैंने चम्मच चलाया, ठंडी तो नहीं हो। उंगली डाल के देखो, अगर देख लो ना, नहीं उंगली डाल के देखो, पागल नहीं मैं, थोड़ा सा और डाल लेती मैं हमारे। आपने कितने डाले थे? 21 डाले थे। 21 से क्या होता है? बस उसके चल, तो आपने कितने डाले? मैंने बाद में 3-4 और डाले। शक्कर ले लें, और वो असल में आपको चैन नहीं पड़ रहा था, हाथ अड़ा है, मसला ये चैन तो पड़ रहा था लेकिन मैंने कहा स्ट्रांग होनी। ये लें जी, एक कप चाय। आय हाय, आय हाय, चाय सही है भाई, स्ट्रॉन्ग है। खाना खा लिया है, चाय भी पी ली है, अब ये कि सब लोग बैठ के गप्पे लगाने हैं और उसके बाद ये कि थोड़ा सा वॉक करेंगे और बीच की तरफ जाके देखेंगे कि बीच कैसा है यहाँ पे। तो ये देखें जी जनाब, क्रिस्टी लेक है। हम लोग पिकनिक एरिया में बैठे हुए थे लेकिन ये कि यहाँ पे ये लेक साइड है और ये क्रिस्टी लेक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है बोर्ड में कि आप यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, और फिशिंग का दिया हुआ है, बोटिंग करते हैं लोग, गेम्स वगैरह खेलते हैं, और ये तमाम डिटेल्स हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। जैसे पार्किंग का डिफाइन किया हुआ है इन्होंने कि आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ये है। साइकिलिंग के ट्रैक्स भी हैं, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन इन्होंने एक्सप्लेन की है। ये देखें जी, हर थोड़ी देर बाद ये कचरा जो है ले जाते हैं और
उसमें अपनी गाड़ी में ब्लैक बैग डाल के ले जाते हैं और दूसरा नया बैग यहाँ लगा रहते हैं। तो उस तरह से साथ साथ ये सफाई भी करते रहते हैं। चले भाई अब उनको उठाएं सबको, थोड़ा सा वो करने हैं। तो ये सब साथ साथ सफाई भी होती जा रही है और ये कि पिकनिक जगह को इन्होंने साफ़ सुथरा रखा हुआ है। आज शाम हो गई है और ये कि अब हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं। ओ भाई ज़्यादा दूर नहीं है ना वॉक पे? भैया पूरी ट्रेल करेंगे। अभी तो शुरू हुई है तुम्हारी ट्रेल, अब तुम पीछे हो गए। ये रास्ता जाएगा कहाँ से? ये पार्किंग में निकलेगा। और कौन? अच्छा नहीं कहना कर नहीं जगह मिलती ना, यहाँ पे बारबेक्यू के लिए अच्छी जगह थी। यहाँ देखे गए ना, यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत आता है। मसूद भाई जी हमारे दौड़ लगा है, बड़ी स्पीड में आया। 5 किलोमीटर जाना है, जल्दी करें थोड़ा। नहीं सर मैं 5 किलोमीटर वाले में हूँ, मैं नशाद के साथ हूँ, नशाद मर जाएंगे। यहाँ पे एंकलिंग करेंगे तो नहीं आएगी आई थिंक, इसमें होगी इधर। हाँ ये देखिए जनाब लेक का व्यू। यहाँ पे फिशिंग कर रहा था। और आप जंगल में होंगे, ये बिल्कुल कंप्लीट ट्रेल्स हैं और जंगल। हमसे इसी तरह जिस तरह ये जा रही है ना, पूरी ट्रेल है जो उसके पीछे पीछे अंदर अंदर चल रही है ऑल द वे। वो वहाँ से घूम के हमें जल्दी जाना चाहिए। हाँ अगर वो करना था तो आते ही पहले निकल के फिर आके आपने अपना खाना वाना खाना अगर वो करना तो वी कैन ऑलवेज कम अगेन। लेकिन फिर उसके लिए हमें जल्दी आना चाहिए था, वही तो मैं कह रहा हूं। देर से आए नहीं, अभी जो हम आए थे, लेकिन अगर हम आते ही वो कर लेते ना फिर हो सकता। आपको 2 घंटे 2.5 घंटे चाहिए ट्रेल के लिए, 2 घंटे मिनिमम आपको चाहिए बस। आप 2 घंटे 2 घंटे कौन चलाएगा भाई, पागल है क्या? ऐसे ही होगा, 2 घंटे चलेंगे मामले हो गए क्या? मरीना पवेलियन ये रेंटल है ना? अच्छा रेंटल बोट, यहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह नहीं है। चलें क्या वापसी करनी है, आगे जाना है? सही है, चलो भाई चले भैया। हाँ जी पिकनिक ख़त्म हो गई है, पैकिंग हो गई है, चेयर्स ब्लैक बिन तैयार कर लिया इसमें, अच्छा चूल्हा है इसमें सही। बाकी आसपास कोई कचरा तो नहीं है? कचरा तो नहीं आ रहा है। पैकिंग कर ली है, रैप अप कर लिया है हम लोग ने, अब ये के घर के लिए निकलना है और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को जगह भी पसंद आई होगी और हम लोग की एक्टिविटी पसंद आई होगी। फाइनल रिव्यू क्या है आपके आउट ऑफ? सर आप बताएं रिव्यू। क्रिस्टी लेक इट्स वेरी गुड प्लेस, आप दोबारा आ सकते हैं राइट, आया जा सकता है। हम तो वैसे ही 3rd-4th time हैं, ये हम लोग मिलके 2nd time हैं। जल्दी आना चाहिए थोड़ा ताकि हम लोग लंबी ट्रेल फाइट में हल्के से हम बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू करेंगे, बारबेक्यू आएगा, टाइम आपके पास होगा क्योंकि डे आप जल्दी आ जाएं 12 बजे जल्दी आ जाएं क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर हम आराम से 10 बजे 11 बजे भी निकलते हैं आधे घंटे में पहुँच जाएंगे यहाँ पर। बारबेक्यू करें, हाँ थोड़ा रेस्ट करें और फिर ट्रेल पर निकलते हैं। एग्जैक्ट ओके जी, आज की आउटिंग जो है वो हम लोग की कंप्लीट होती है। घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये कि अगर हम लोग 8 बजे तक भी निकलेंगे तो मगरिब तक घर पहुँच जाएंगे क्योंकि मगरिब तकरीबन 8:45 तक होती है। तो आज की एक्टिविटी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मैं आज की वीडियो भी ख़त्म करता हूँ। होप आप लोगों को ये ट्रिप अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइंदा नेक्स्ट ट्रिप तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये कि किसी और एक्टिविटी पे जाएंगे तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।